पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जाने वाला 10 दिवसीय गणेश उत्सव शुक्रवार को विसर्जन के साथ समाप्त हो गया। वहीं जगह जगह गणपति की मूर्तियों के विसर्जन के लिए जुलूस निकाले गए। बेटमा में भी विसर्जन के लिए एक विशाल रंग गुलाल जुलूस निकाला गया, जिसमें भारी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। भगवान गणेश जी को समर्पित अनंत चतुर्थी का त्यौहार बेटमा व क्षेत्र में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दिन गणेश जी की 10 दिवसीय पूजा संपन्न हो जाती है और उनका विसर्जन किया जाता है। भक्त अपने घर, संस्थाओं व पंडालों में स्थापित गणेश प्रतिमाओं का बड़े ही धूमधाम से विसर्जन करते हैं। बेटमा में निकले विसर्जन के विशाल रंग गुलाल जुलूस में भक्तों ने खूब रंग गुलाल उड़ाया। वहीं युवाओं की टोली डीजे व ढोल की थाप पर भी खूब थिरके। विसर्जन जुलूस आवास कॉलोनी से शुरू हुआ, जो अंबेडकर चौराहा, राजवाड़ा चौक, गौली मोहल्ले होते हुए नगर में भ्रमण किया, जिसमें भारी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। नदी, तालाबों व बहते जल में गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दिया गाने गाकर भक्त गणेश प्रतिमा का धूमधाम से विसर्जन करते हैं। बैटमा इंदौर से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।